परिवार के आराध्य श्री जुगल बिहारी का 35वां पाटोत्सव बड़े ही धूमधाम से मुंबई के गिरगांव चौपाटी के ठक्कर हॉल में मनाया गया। इस अवसर पर पूरा धूत परिवार उपस्थित रहकर अत्यंत ही भक्ति भाव से श्री जुगल बिहारी जी की मान मनोहर की। श्री अजय धूत ने बताया कि यह पाटोत्सव प्रतिवर्ष किया जाता है और पूरा वातावरण कृष्ण और राधामय हो जाता है। परिवार के लोगों ने भजन, गीत, नृत्य और शायरी कविताओं से जुगल बिहारी की पूजा अर्चना की। उत्सव में कई मुंबई के सम्मानित लोग उपस्थित थे, तो आइए सुनते हैं इस मौके पर श्री अजय धूत ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। और जो मेरी उनकी राधा मेरी भाभी है, उनको आज 35 बरस पूरे हो गए। 35 वर्ष पूर्व इनकी शादी हुई थी, पूरा मरीन ड्राइव ब्लॉक हो गया था और ऐसी अद्भुत शादी कभी हुई नहीं। तो उनकी का उनकी वर्षगांठ वेडिंग एनिवर्सरी हम हर साल ऐसे ही 11 फरवरी उनकी तारीख के आगे पीछे मनाते हैं, 35 साल से मनाते आ रहे हैं। मेरी माँ ने और बाबूजी ने ये प्रथा चालू की, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और उनका लाल लड़ाते हैं। मैरिज को पाठोत्सव कहते हैं, मैरिज एनी को पाठोत्सव कहते हैं। कोई भी चीज जन्म हो या एनिवर्सरी हो उसी को पाठोत्सव कहते हैं और वही मना रहे हैं। थोड़ा सा माँ के बारे में, मैं माँ के समय में भी आया था और आपके समय में आया, ये तो बहुत ही भव्य दिख रहा है पहले की तुलना में, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। नहीं, माँ तो ऐसा है, ये सब सिखाया कराया सब शुरू माँ ने किया, हम तो उनकी परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे में जो संस्कार और हमारे में जो कुछ है उन्हीं ने डाला है, उन्हीं ने पनपाया है, तो हमारी कोई विसात नहीं है। एक मेरा भाई जुगल बिहारी, उसकी कृपा और मेरे माँ बाबूजी के विश्वास से ही ये काम आगे बढ़ रहा है। व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म या पूजा पाठ कितना महत्व है? पूजा पाठ का महत्व से ज्यादा उसको अपना बनाना महत्व है। पूजा पाठ तो एक देख रेख की चीज है, उसको मनाएं, उसको अपना बनाएं, उसकी सेवा करें, उसमें भाव हो वो है। पूजा पाठ तो एक नियम है, बट मैं समझता हूँ उसकी सेवा या उसको अपना बनाना वो जरूरी है। बाबू जी, ये संस्कार से आता है, ये कैसे होता है? कुछ भाग संस्कार का है और कुछ भाग अपने कर्म का है। पहले जो परवरिश और संस्कार के बीज बोए जाते हैं उसी पे फसल उगती है, और मैं समझता हूँ कि हर माँ बाप को, हर माता पिता को अपने बच्चों को दोष नहीं देना चाहिए। पहले आप संस्कार और परवरिश के समय अनुसार बीज डालिए, फसल अपने आप ठीक उगेगी, दोष बच्चों का नहीं है। अगर दादी के पास सामग्री है और पोता पोती में नहीं आ रही है तो वो दोष अपने माँ बाप का है, उनका नहीं है। आपने जो मिला है वो नीचे वापस आपको देना है। जी, एक लास्ट में एक संदेश देना है जो हमारे जो जो, जो, जो देखेंगे, दर्शक देखेंगे, एक संदेश क्या मतलब क्या कहेंगे लोगों को भक्ति के बारे में? कुछ भी हो भी आप जो भी करो, जैसा भी करो, उसको अपना बना के करो और उसको अपना बना के रहो। अखंड विश्वास रखो, वो है, रहेगा और तुम्हारे साथ है। बस इतना है, उसका नाम जप करो, भक्ति करो, सत्संग करो, जो करना श्रृंगार करो, उत्सव करो, बस उसकी सेवा करो और उसको सुमिरन रहो। बस कृपा वो करेगा, तुमको तो खाली करना है, उसी के लिए आए हो। एक कब्रिस्तान के आगे लिखा था, एक कब्रिस्तान के आगे लिखा था, ए मुसाफिर तेरी मंजिल तो यही है, बस जिंदगी बीत गई आते आते। जाना सभी को है, तो अच्छे कर्म करके जाओ तो उसके पास जाओगे, वरना तो वही 84 लाख योनि में वापस आना है।